दोस्तों भारतीय नौसेना को उसका दूसरा एयरक्राफ्ट मिल गया है या पूरी तरह स्वदेशी है, यानी इसका निर्माण भारत में ही किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोची के कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड में INS विक्रांत को देश की सेवा में समर्पित कर दिया है। तो दोस्तों आइए जानते हैं INS विक्रांत से जुड़े कुछ फैक्ट्स। नंबर 1, INS विक्रांत का नाम नौसेना के पहले एयरक्राफ्ट कैरियर के नाम पर है जो 1960 में मिला था। फैक्ट्स नंबर 2, INS विक्रांत 262 मीटर लंबा और 62 मीटर चौड़ा है, इस लिहाज से इसके फ्लाइट डेक का आकार फुटबॉल के दो मैदानों के बराबर हो जाता है। फैक्ट्स नंबर 3, INS विक्रांत को 20,000 करोड़ रुपए की लागत में तैयार किया गया है, यह दुनिया का 7वां सबसे बड़ा कैरियर माना जा रहा है। फैक्ट्स नंबर 4, यह वाहक 28 नॉट्स की अधिकतम रफ्तार के साथ एक बार में 7,500 नॉटिकल मील करीब 14,000 किलोमीटर की दूरी तय कर सकता है। फैक्ट नंबर 5, इस विशाल जहाज में कुल 18 फ्लोर हैं, इन पर 2400 कंपार्टमेंट्स का निर्माण किया गया है। यहां 1600 स्ट्रॉन्ग क्रू रह सकती है। इसमें महिलाओं की जरूरतों के हिसाब से खास केबिन बनाए गए हैं। नंबर 6, INS विक्रांत पर आधुनिक सुविधाओं से लैस एक किचन है, इसमें मौजूद एक यूनिट प्रति घंटा 3000 रोटियां तैयार कर सकती है। फैक्ट्स नंबर 7, INS विक्रांत पर अलग अलग तरह के 30 से ज्यादा एयरक्राफ्ट तैनात किए जा सकते हैं, इनमें फाइटर एयरक्राफ्ट, हेलीकॉप्टर आदि शामिल है। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें बताइए और वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।